उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी खबर। आज फिर अनमोल बिस्किट कंपनी ने 6 कर्मचारियों को निकाला। 6 कर्मचारी निकाले जाने के बाद तुरंत ही सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। मौके पर गंगेश्वर दास शर्मा पहुंचे और वहां पर उन लोगों ने काफी लेबर को समझाने की कोशिश की कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करो। तो आइए देखते हैं इस पूरी खास खबर को कि क्या है अनमोल बिस्किट कंपनी की मनमानी। आखिर अनमोल बिस्किट कंपनी जब आवश्यकता होती है तो रिक्वायरमेंट निकालती है, बच्चों को भर्ती करती है, और जब इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो बच्चों को जैसे चाय से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह से लेबर को कंपनी से बाहर कर देते हैं। आखिर अनमोल बिस्किट कंपनी लेबर को क्यों निकाल रही है और क्यों ये लेबर यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास खबर को। कोल इंडस्ट्री तो बिहार ग्रेटर नोएडा में काफी लंबे समय से श्रमिकों की मांगों को लेकर के विवाद चल रहा था। प्रबंधक लगातार मनमानी कर रहे थे, श्रमिकों के मांग पत्र पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थे। श्रमिकों की समस्याओं मांगों की उपेक्षा की जा रही थी, श्रमिक अपनी मांगों पर दबाव दे रहे थे, तो श्रमिकों को परेशान करने के लिए तमाम उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ प्रबंधकों द्वारा जो है शुरू की गई और गैरकानूनी तरीके से आज 6 कर्मचारियों की जो है सेवा समाप्त कर दी गई, जिसके विरोध में तमाम संस्थान के कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं और काम का बहिष्कार कर संस्थान स्तर पर ही जो है धरना देकर बैठ गए हैं। और कर्मचारी की मांग है कि प्रबंधक सेवा समाप्त किए गए श्रमिकों की जो सेवाएं समाप्ति का जो नोटिस उन्होंने जारी किया उसको वापस लें और श्रमिकों की सेवाओं को बहाल करें और संस्थान को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। अगर जब तक प्रबंधक सेवा समाप्त किए गए श्रमिकों के आदेश को वापस नहीं लेते हैं, संस्थान में तमाम कर्मचारी काम का बहिष्कार कर संस्थान स्तर पर ही जो आंदोलनरत रहेंगे। और इसी तरह पास में ही मान्यतायु कंपनी है, वहाँ भी जो है श्रमिकों को समस्याओं को लेकर के विवाद चल रहा है और प्रबंधक लगातार जो है श्रमिकों की समस्याओं की वहाँ भी उपेक्षा कर रहे थे और यूनियन के अध्यक्ष को रंजीशन जो है उन्होंने जो है निलंबित कर दिया, जिसके विरोध में मान्यतायु के कर्मचारी भी जो है संस्थान स्तर पर आंदोलनरत है और प्रबंधक जो है संस्थान में जो है कर्मचारियों को काम पर नहीं ले रहे हैं, जिसके विरोध में वो भी जो है विरोध कर रहे हैं और अपने आंदोलन पर है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।